ECG. What is ECG? ECG stands for electrocardiogram. So in this particular video, we'll check out ki ECG actual mein kya hota hai electrocardiogram aur smart watches mein iska kya role hai. Say what's going on guys, my name is Rohit. So without wasting further more time, let's get straight into it. सो बेसिकली ECG एक टेक्नोलॉजी है जो डेवलप किया गया है आपके हार्ट के हेल्थ कंडीशन को ज्यादा बेटर वे में मॉनिटर करने के लिए और आपको FIB है कि नहीं वो इससे पता चल जाए. सो व्हाट इज FIB? FIB क्या है यहाँ पे? FIB स्टैंड्स फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन. ये एक तरह का सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें हार्ट स्ट्रोक आने के और हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ECG एक टेक्नोलॉजी है जो आपको बताता है कि आपके चांसेस कितने हैं FIB काउंस करने के. Nowadays we are using simple quality of equipment to measure the heart rate. Like simple वाला equipment इसे एक beam of light निकल करके जाती है आपके skin को penetrate करते हुए, फिर वो bounce back करके आती है तो उससे पता चल जाता है कि एक data prepare होता है कि आपका कितना BPM जा रहा है beats per minute. But in case of ECG it works totally different. और एक चीज और है कि जो आपके heart rate का data निकल करके आता है इन सारे sensors से वो उतना ज्यादा accurate नहीं होता है जितना उन्हें होना चाहिए. So the main thing is कि आपका जो heart rate का simple वाला reading होता है common जो हम लोग use करते हैं वो आपके blood flow को असर करता है. Now in case of ECG the measurement process is totally different as compared to the heart rate process. इसमें हम हार्ट के जो electrical signals generate होते हैं ना उसको मेजर करते हैं और पूरा डेटा प्रिपेयर करते हैं तब जाके पता चलता है कि आपको FIB के चांसेस हैं कि नहीं और आपके बेसिकली हार्ट की हेल्थ कंडीशन क्या है यहाँ पे. बट यहाँ पे ब्लड फ्लो को मेजरमेंट नहीं किया जाता है. इन सिंपल वर्ड्स ECG के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके हार्ट में इरेगुलरिटीज है कि नहीं, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है कि नहीं, आपका कितना अप एंड डाउन हार्ट रेट जा रहा है और लाइक क्या आपका हेल्थ कंडीशन है ओवरऑल. तो अब आपको बताते हैं कि स्मार्ट वॉचेस में ECG काम कैसे करता है. तो अगर आप हॉस्पिटल गए हो या फिर किसी भी मेडिकल प्लेस पे गए हो तो आपने ये चीज देखी होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है. उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स को लेकर के हमारे हार्ट के काफी क्लोज प्लेस करते हैं स्कैन के ऊपर. उसके बाद जो हार्ट हमारा पंप करता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज प्रोड्यूस होती है. उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिकॉर्ड करता है और फिर एक पूरा डेटा प्रिपेयर करके आपको दे. बट इन केस ऑफ ए स्मार्ट वॉच इतने ज्यादा झमेले करने की आपको डेफिनेटली जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे उसको मेजर कर सकते हैं. नॉट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एप्पल आई वॉच, लाइक उसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसका एग्जांपल लेके आपको बताते हैं. आपको सिंपल अपना फिंगर लेना है और एप्पल आई वॉच वाले क्रॉन पे प्लेस करना है 30 सेकंड के लिए और ये 30 सेकंड में आपको पूरा डेटा रिकॉर्ड करके ग्राफ के फॉर्म में दिखा देगा और आपको बता देगा कि आपके हार्ट की हेल्थ कंडीशन कैसी है प्लस आपको FIB होने के चांसेस है या नहीं है. आपको पता चल जाएगा ओवरऑल कि आपका हार्ट एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है या फिर हेल्दी है या फिर नहीं है और आपको ओवरऑल रिदम कैसा है हार्ट का. Now guys, coming to the main question, is it necessary to have a ECG smartwatch? Like काफी महंगे आते हैं ना ECG वाले smartwatches, तो ये उनके लिए important है जिनका age group 40 से 50 साल के बीच में है. आप young generation के लिए definitely जरूरी नहीं है, but जो अगर 40-50 साल के age group में आते हैं, like मम्मी पापा आते हैं या फिर हो सकता है अंकल आते होंगे आपके, तो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है ये. और जिनको भी हेल्थ कंडीशन रहती है तो उनको डॉक्टर प्रेफर करता है कि ये सारे इक्विपमेंट्स आप यूज करो. उससे काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपको पहले ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं. सो नाउ यू गाइस नो अबाउट द ECG, कैसे काम करता है, स्मार्ट वॉच में कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आपको लेना है कि नहीं लेना है. अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट वॉचेस के बारे में जो ECG के साथ आते हैं. तो एप्पल ने यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा ECG को अपने स्मार्ट वॉचेस में. तो एप्पल की आई वॉच की सीरीज 5 के बाद या 4 के बाद आपको जितनी भी सीरीज आती है सब में ECG देखने को मिल जाएगा, प्लस सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 में भी देखने को मिल जाएगा और फिटबिट का सेंस हेल्थ में भी आपको देखने को मिल जाएगा. वैसे कुछ टाइम के लिए इंडिया में ये चीज नई थी, FDA का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ये अवेलेबल था. ऑलराइट गाइस, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए ECG के बारे में. लाइक कोई बात नहीं करा था इसके बारे में, बट एक प्रॉब्लम है कि काफी महंगे आते हैं स्मार्ट वॉचेस, लाइक 40-50 हजार, 30,000-20,000 के रेंज में आपको स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलते हैं. बट ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आपको बताना था ECG के बारे में जो मैंने यहाँ पे बता दिया. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू गाइस एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो, give it a huge thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more cool videos like this. I'll catch you guys later on the next coming video. Till then, a peace out guys and bye.